नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलिंग कंपनी की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर फाल्कन के बारे में। अगर आप लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्च कर रहे हैं, यानी कि लो स्पीड वाले जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बेलिंग कंपनी की तरफ से जो फाल्कन है ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका हम डिजाइन के बारे में बात करते हैं, इसकी टॉप स्पीड कहां तक जाती है उसके बारे में बात करते हैं, उसमें बैटरी क्या लगा हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिजाइन देख लेते हैं कि आपको इसमें डिजाइन देखने को कैसी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम हेडलाइट से बात कर ले, तो आपको हैंडल फिटेड ही हेडलाइट दिए गए हैं, जिसकी जो रोशनी है मैं उसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो जो लाइट्स वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे आपको हेडलाइट्स दिए गए हैं बॉडी में, जो कि इस तरह से है, तो यहाँ पे भी एक लाइट आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको जो मेन लाइट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे की गई है, और साइड इंडिकेटर्स आपको LED में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे भी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। सारे LED में है, तो बैटरी की खपत जो होती है वो कम होती है। तो उसके अलावा आपको इसमें कुछ एसेसरी पार्ट भी लगे हुए हैं, जो कि इस तरह से लगे हुए हैं। उसके अलावा हम और थोड़े से नीचे आए, तो डिजाइन आपको यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है फाल्कन की, जो कि इस मॉडल का नाम है। साथ ही साथ अगर हम इसमें टायर प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें आपको 10 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि TVS कंपनी की तरफ से है। और इसमें एक और बेनिफिट है कि आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। डिजाइन कुछ ऐसा है एलॉयव्हील का, जो कि इस तरफ से आप देखिए कि यहाँ पे कुछ आप डिजाइन देख रहे हैं कि एलॉयव्हील का डिजाइन जो है कुछ इस डिजाइन में रखा गया है, जो कि काफी अच्छा लगता है दिखने में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉकर्स कुछ इस डिजाइन के आपको देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें स्पेस की बात कर ले कि इसमें स्पेस कैसा मिलता है, क्योंकि स्पेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसमें आप बड़ा चीज भी आप आसानी से रख पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें, तो इसमें आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे है। इसमें कुछ पेपर वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे एक की मिल जाता है, की जो है स्मार्ट फीचर के साथ आती है, जिसकी सहायता से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक हुक मिल जाता है, जिसमें 4-5 KG तक के कुछ सामान आप होल्ड कर सकते हैं। अलावा यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलती है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी सहायता से आप अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर पाते हैं। डिजाइन काफी अच्छा है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके एक बार हैंडल में फीचर्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें बटन्स देखने को मिलते हैं। तो बटन की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको नॉर्मल बटन मिल जाते हैं, जैसे कि लाइट्स के स्विचेस हो गए, उसके अलावा यहाँ स्लेटर हो गया, यहाँ पे आपको मोड के स्विचेस हो गए। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, हॉर्न के स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसका मैं साउंड आपको सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह के साउंड आपको देखने को मिलते हैं। रिवर्स बटन का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स के जो स्विच है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिक फीचर्स है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें, तो उसमें कुछ इस डिजाइन के इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलते हैं, जिसमें आपको बेसिक फीचर जैसे कि बैटरी कितना चार्ज है वो बताती है, साथ ही साथ इसकी गाड़ी जो स्पीड चलेगी उसमें आपको बताएगा। उसके अलावा इसमें जो है आपको यही नॉर्मल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ खास नहीं है, लाइट वगैरह ही है। उसके साथ हम आ जाएं तो इसमें सीट कंफर्ट कैसा है, क्योंकि सीट की चौड़ाई इसमें अच्छी खासी रखी गई है, और इसका जो चौड़ाई है वो काफी अच्छा रखा गया है। दो लोग इस पे आसानी से बैठ सकते हैं। और अगर हम एक बार बैठ के भी आपको दिखाता हूं कि कितना स्पेस बचता है, तो मेरी हाइट 5'4" है, उसके हिसाब से आपको आप इसमें देखिए कि आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेग स्पेस भी आपको इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है। सीट की कंफर्ट की बात करें, तो वो भी काफी स्पंजी है और काफी अच्छा लगता है। अगर हम स्टोरेज आपको दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ से आपको एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से स्टोरेज ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसमें अभी मिरर कसा हुआ नहीं है, बाहर निकालता हूँ मैं इसको। यहाँ पे कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं, इसमें आपको टूल्स देखने को मिलते हैं, और बैटरी जो है इतना बड़ा इसमें लगा हुआ है। एक बार मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि बैटरी कैसे ओपन होती है। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, और बैटरी को निकालना काफी आसान है, आप डायरेक्टली इस बैटरी को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको बैटरी देखने को मिलती है वो 60 वोल्ट और 30 एच की बैटरी मिलती है, जिससे जो ड्राइविंग रेंज है आपको लगभग कंपनी क्लेम जो है 70 से 80 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। इस बैटरी को चार्ज करने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो बैटरी की साइज अच्छी है, और जो इसका पैकिंग है वो भी काफी अच्छा किया गया है, और आप इसको डायरेक्ट आप अपने रूम में ले जाके भी इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं इस सॉकेट की सहायता से। इसको मैं वापस से इसमें डाल देता हूँ।
उसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही सामान आप इसमें रख पाते हैं। यहाँ पे आपको एक MCB देखने को मिलता है जिससे आप अपने बैटरी को अगर लंबे समय तक बाहर जाते हैं तो ड्रेन होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ आपको MCB मिलता है, साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है, तो बहुत कुछ खास इसमें आपको स्पेस देखने को नहीं मिलता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो मोटर वगैरह मिलती है वो किस तरह की मिलती है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैब रेल देखने को मिलती है, साथ ही साथ इसमें एसेसरीज लगा हुआ है तो आप देख ही पा रहे हैं। उसके अलावा लाइट्स यहाँ पे आप कुछ इस डिजाइन में मिलते हैं, मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो लाइट्स कुछ इस डिजाइन में आपको देखने को मिलते हैं, मैं एक बार आपको बैकलाइट दिखाता हूँ। LED में ही ये सारा लाइट है, इंडिकेटर्स के लाइट आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ इस डिजाइन में आपको इंडिकेटर्स में लाइट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक नंबर प्लेट का ऑप्शन जरूर दिया गया है, लेकिन ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसमें किसी तरह का रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अगर हम इसमें मोटर्स की बात कर ले तो मोटर जो है यहाँ पे दिया गया है जिससे जो आपको लो स्पीड में जो परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए वो आसानी से मिल पाती है। और 10 इंच के इसमें आपको टायर देखने को मिलते हैं जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लेडीज फुटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे कवर किया गया है, सॉकर्स वगैरह यहाँ पे अच्छे से दिए गए हैं। आपको यहाँ पे डुअल स्टैंड भी मिल जाता है देखने को, साथ ही साथ आपको सिंगल स्टैंड भी देखने को मिल जाता है। स्पेस काफी अच्छा है, अच्छी गाड़ी आपको ठीक ठाक मिल जाती है लो स्पीड की अगर बात करें तो। उसके अलावा एक बार मैं आपको फाइनल बता दूं कि इसमें क्या क्या देखने को मिलती है, तो इसमें जो बैटरी मिलती है उससे जो इसकी ड्राइविंग रेंज है लगभग 70 से 80 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है जो कि कंपनी क्लेम है। उसके अलावा ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25-26 के आसपास ही आसानी से चल पाती है, दो लोग के साथ आप आसानी से इसको चला सकते हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की हम प्राइस की बात करें तो 85,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग पड़ती है जो कि एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए है। और उसके अलावा अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर इसको परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था हमारा वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।